अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिफा शाह सिलाई सेंटर। गाइस, ये जो श्रग स्टाइल फ्रॉक का मैंने आपको कटिंग का बताया था, ये देखें कटिंग की हुई है मैंने आपको। इसकी जो वीडियो है इसका, इस वीडियो में कटिंग वाली वीडियो का लिंक जो है वो आपको शेयर कर दूंगी। मेरे चैनल पे भी वीडियो मौजूद है, वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको इसकी स्टिचिंग करते हुए, सिलाई करते हुए भी आपको बताऊँगी। तो गाइस, सबसे पहले ये देखें, ये जो गले की कटिंग थी, सबसे पहले हम ये जो फ्रंट वाला हिस्सा है, खुला ओपन हिस्सा है, इसे हम यहाँ तक, मतलब के नीचे से को 5 इंच का फासला मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ तक मैं इसे बंद कर लूँगी। मैं सिलाई लगाकर आपको दिखाती हूँ। ये दरमियान वाली सिलाई लगाने के बाद कुछ इस तरह से इसकी, ये आधा हिस्सा ये है गले का और आधा हिस्सा ये है इस साइड पर। इस पर अब हमने ये जो मैंने आपको बताया था कि मैंने पट्टियाँ जो हैं वो प्रेस करके तैयार करके रखी हुई हैं, ये इसके ऊपर यहाँ हम लगाने वाले हैं इस तरह करके। कुछ मैं आपको लगाकर दिखाती हूँ। ऐसे गले के बराबर रखते हुए इसको आधा इंच का मार्जिन देते हुए यहाँ सिलाई लगानी है पूरे गले पे, पूरे राउंड पे। गाइस, ये गले के पूरे हिस्से पे ये देखें इस तरह से ब्लैक और व्हाइट, वो जो मैंने पट्टी पैच बना के रखा हो तो वो मैंने लगा लिया है। अब हम इसको ऐसे पलट के इधर मैं सिलाई लगाती हूँ ताकि ये नीचे की तरफ जो है वो मजबूत हो जाए। यहाँ सिलाई लगाऊंगी और फिर इसके अंदर हम गाइस लास्टिक गुजारेंगे। ये हमारा गला है, ये श्रग फ्रॉक स्टाइल का गला है, यहाँ हम लास्टिक गुजारेंगे तो इसकी अच्छी से चुनट आ जाएंगी। तो ये हमारे गले के हिसाब से हो जाएगा। गले में लगाने के लिए, डालने के लिए ना, इस पैच के अंदर लास्टिक डालने के लिए मैंने बारीक लास्टिक ली है। इसको अब मैं यहाँ से डालकर तो फिर आपको दिखाती हूँ। गाइज, ये इसके अंदर से मैं लास्टिक जो है वो बारीक वाली गुजार चुकी हूँ। अब मैं इस पट्टी को ऐसे सीधी करते हुए लास्टिक को, अगर आप ऐसे जब आप बनाएंगे तो आप फील करेंगे यहाँ लास्टिक अंदर मुझे फील हो रही है, तो लास्टिक के थोड़े से मार्जिन से मैं यहाँ लास्टिक के साथ साथ सिलाई लगाऊंगी ताकि लास्टिक जो है वो सिर्फ ऊपर ही रहे और उससे फिर अच्छी लुक आएगी। मैं सिलाई लगा कर दिखाती हूँ आप ऐसे। ये देखें, बिल्कुल मैंने आधे इंच के मार्जिन से रख ली है। ये सिलाई आपको नज़र आ रही होगी, उम्मीद है इतने से मार्जिन से लगाएं ताकि लास्टिक जो है वो ऊपर के ऊपर ही रह जाए। गाइस, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गला जो है वो बहुत अच्छा माशाल्लाह से तैयार हो गया है। अब मैं इसके ये शोल्डर पकड़ के फ्रंट तीरे को बैक तीरे के साथ ऐसे ज्वाइंट करके आपको दिखाती हूँ। तीरा जुड़ने के बाद इसकी लुकिंग कुछ इस तरह से हो गई है, आप देख लेंगे ऐसे दिख रहा है, ठीक है। अब गाइस, ये देखें ज़रा इसकी पेटी वाली जगह पे ऊपर से मैंने 14 इंच के मार्जिन से इस्त्री से ये तय बिठाई हुई है, ठीक है। ये देखें, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लास्टिक लगाएंगे। ये लास्टिक मैंने पास रखी हुई है, ये मैंने वेस्ट के हिसाब से रखी हुई है। अब इसे मैं लगाती हूँ। इसको लगाने का तरीका कुछ इस तरह से है कि ऐसे हम कपड़े इस तरह से है कि ये देखें, ये कंधों की कटिंग है, इसके मैं तकरीबन 7 इंच के मार्जिन पे मैंने ये निशान लगाया है ये वाला। यहाँ से हम लास्टिक को ऐसे रख के स्टार्ट करने वाले हैं। लास्टिक के भी सेंटर में मैं निशान लगा लेती हूँ ताकि मुझे पता हो कि लास्टिक मेरे पास जो है वो आधे हिस्से तक, यानी कि ये जो सेंटर वाली सिलाई है इस हिस्से तक मुझे लास्टिक को लाना है। तो मैं सिलाई लगाकर आपको दिखाती हूँ। गाइस, देखें ये लगती हुई कुछ इस तरह से लग रही है। फिर हम इसकी दूसरी साइड पे भी पलट के सिलाई लगाएंगे तो फिर आपको मैं इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। गाइस, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह इसकी, मतलब ऐसी लुक आ रही है। ये इसका गला है और ये जो मैंने लास्टिक लगाई है उसके फ्रंट साइड से ये लुक आ रही है। ये माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। यहाँ से थोड़ा सा मैं ओपन भी रखूँगी इसे और नीचे भी पैच लगाना है। पैच लगा के आपको दिखाती हूँ। फिर बाद में हम स्लीव इसके तैयार करके, तो स्लीव जो है इसके राउंड में लगेंगे वो बाद में लगाऊंगी, पहले मैं पैच लगा कर दिखाती हूँ। तो गाइस, देखें ये यहाँ से ये कमर वाला हिस्सा जहाँ मैंने लास्टिक लगाई थी, यहाँ से मैंने ये थोड़ा सा ओपन रखा है, चाक की तरह मैंने इसे फोल्ड कर दिया, नीचे ये पैच लग गया। गाइस, ये बहुत शॉर्ट से कपड़े में, मतलब जो लिनन का हमें 1.5 गज का कपड़ा मिलता है उसमें बहुत अच्छा सा आपका जो है ना श्रग स्टाइल फ्रॉक बन जाएगा। अब सिर्फ इसके बैक साइड गले पे लगने वाली पट्टी रह गई और बाजू रह गया। मैं बाजू तैयार करती हूँ।
बाजू की कटिंग जो है वो बिल्कुल मैंने सिंपल लेकिन ए लाइन शेप में की है, ठीक है। तो बाजू के आगे भी हम यही पैच लगाने वाले हैं, पैच लगाकर तो आपको दिखाती हूँ। बाजू अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तैयार हो गए, बाजू के आगे ये मैंने पैच लगा दिया है, बाजू हल्की सी मैंने ए लाइन शेप कटिंग दी है और बैक साइड है। अब मैं शर्ट उठा के शर्ट को उल्टी करके ये ऊपर जो कंधे वाली सिलाई थी उसको पकड़ते हुए यहाँ से मैंने पकड़ लिया और पकड़ के मैंने यहाँ से इसका हाफ कर लिया बिल्कुल ये बराबर पकड़ के। अब यहाँ से कट लगा लेना है, यहाँ आएगी हमारी सिलाई और यहाँ आएगी बाजू का ऊपर वाला हिस्सा, तो मैं लगा कर आपको दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने शर्ट को उल्टा किया और बाजू मेरा जो है वो सीधा है, उल्टी शर्ट के बाजू वाले होल के अंदर ऐसे सीधा बाजू रखते हुए बाजू की ये सिलाई और ये वाला कट जो हमने लगाया था, ये वाला इस कट को और इस सिलाई को बराबर रखते हुए राउंड में सिलाई लगानी है, दोनों को पकड़ते जाना है और पकड़ते हुए ऐसे करते हुए राउंड में ये सारी सिलाई लगानी है। तो आपको सिलाई लगा कर दिखाती हूँ। ऐसे इन दोनों को जस्ट सिलाई लगा देंगे सारा। गाइस ये देखिए ऐसे कपड़ा था मेरे पास, इसका मैंने ये कोना पकड़ के इस तरफ को तय लगाते हुए यहाँ अरेब इसकी समझे रुमाल की जो है ना आड़ी तय लगा लेना ऐसे ही। बैक साइड के गले के लिए मैं कपड़ा उतारने लगी हूँ। फ्रॉक हमारी सिलाई हो चुकी है, सिर्फ बैक साइड का गला रहता है, तो मैं लगा के ये देखें ऐसे 1.25 इंच की चौड़ाई के हिसाब से ये कपड़ा काटें। ये कपड़ा जितना बारीक होगा उतना ही अच्छा जो है ना लगने में लगता है, चौड़ाई ज़्यादा चौड़ा ना लगाएं बुरा लगता है। ये देखिए मैंने काट लिया, काट के तो पिछला गला काटते हैं, काट कर तो फिर लगाने का तरीका बताते हैं। पिछले गले की कटिंग करने के लिए आप जो है ना कमीज़ की ऐसे कुछ तय करके उल्टी कमीज़ करके ऐसे करके रख लें। मैंने जो है वो सिर्फ 2.5 इंच का गला पिछला काटना है, आप बड़ा या छोटा कर सकती हैं। यहाँ से कटिंग स्टार्ट करते हुए फ्रंट गले के साथ 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ना है कुछ इस तरह से, ये देख लें। तो अब लगाने के लिए मशीन की तरफ चलते हैं, आ जाएं। ऐसे मशीन के साथ इसे रख लिया। अब ये जो मैंने पट्टी काटी थी इसका मैंने कोना काट के ऐसे रखा है कि इस पट्टी का 2 हिस्से जो हैं वो फ्रंट गले के ऊपर हैं और 1 हिस्सा नीचे है, ये यहाँ से पैक हो जाता है, कवर हो जाता है बिल्कुल। अब हम इसके साथ बारीक बारीक सिलाई लगाते जाएंगे के हिसाब से। ये देखिए लगाकर सिलाई फिर मैं आपको मुकम्मल दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये देखें ये पिछली पट्टी भी लग गई और फ्रंट गला भी और हमारे बाजू भी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पे ये जो है ना फ्रॉक वो तैयार हो चुकी। ये स्लीव है इसकी ये देखें और यहाँ से मैंने इसे ओपन किया है, ये बहुत प्यारी लुक दे रहा है। तो आप ज़रूर बनाइएगा गाइज, अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे लिए अच्छा सा कमेंट छोड़ें। बहुत शुक्रिया मेरे चैनल पे आने के लिए, मुझे सुनने के लिए। अल्लाह हाफिज़।